सर मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं, हम देखते हैं कि सारे ही धर्मों में अपने अपने उन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं। हिंदुइज्म में भी है, हिंदुइज्म में बहुत खुदा है। तो ऐसे ही हम अगर देखें तो बुद्धिज्म में और जो जैनिज्म है, ये दोनों ही मतलब भगवान का इनकार कर देते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब ये दोनों रिलीजन जो है, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये दुनिया में और किसी रिलीजन से ज्यादा मुझे परफेक्ट दिखाई देते हैं। जी ठीक, आपने जो दूसरा कमेंट किया उसमें भी आपने दो बातें की हैं। पहली बात आपने ये की कि हर मजहब ने अपना अपना खुदा बनाया हुआ है, ये चीज फंडामेंटली गलत है। उसकी वजह ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हर मजहब में खुदा का अलग नाम है। मसलन मैं हिंदुइज्म में भी ये कहूंगा कि अगर आप ये पूछें कि भाई ईश्वर कितने हैं, तो हर हिंदू यही जवाब देगा अगर उसको हिंदुइज्म का पता है कि भाई ऊपर वाला या ईश्वर या क्रिएटर तो एक है। हाँ, उसके अवतार बहुत सारे हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक है वो अनेक नहीं है। आप एक आम हिंदू भी इस चीज को जानता है। यही आप बात क्रिश्चियन से कर लें, यही बात आप मुसलमान से कर लें, यही आप यहूदी से कर लें, हर एक के नजदीक खालिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कि वो क्रिएटर एक है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें इख्तलाफ हो सकता है, या उसके नाम में इख्तलाफ हो सकता है कि मसलन संस्कृत में उसको ईश्वर या परमेश्वर कहा जा रहा है, और अरबी जबान में या जो मिडिल ईस्टर्न कल्चर है उसमें उसको अल्लाह कहा जा रहा है, कोई उसको यहवा कह रहा है, और इंग्लिश में उसको गॉड कहा जा रहा है। ये नाम अलग अलग है ना, तो ये लैंग्वेज का मसला है। और लैंग्वेज का मसला कभी भी अकीदे के ऊपर यानी फेथ के ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। मसलन हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं जब इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूँ, मेरी कोई स्पीच होती है, तो मैं गॉड का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूँ, क्रिएटर का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे संस्कृत आती होती इतनी कि मैं संस्कृत में फ्लुएंटली गुफ्तगू करता, तो जब मैं संस्कृत में स्पीच देता तो शायद मैं ईश्वर परमेश्वर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता। तो ये लैंग्वेज का मसला है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने अपना खुदा बनाया हुआ है और ईसाइयों ने अपना। क्रिएटर के ऊपर इत्तेफाक है कि एक है, नाम में अलग अलग है। पहला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने ये कहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपको ये ज्यादा परफेक्ट लगता है। मुझे एक बात बताइए कि जिस रिलीजन यानी जब रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो वो रिलीजन ही नहीं रहा, वो एक कल्ट बन गया। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हमने उसको रिलीजन मान लिया, तो आप ये बताएं कि जो रिलीजन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इन ये तीन बुनियादी सवाल है ना, इन तीनों सवाल का जवाब जीरो है बिल्कुल। वहां पर कहां से आए हैं, चूंकि गॉड है नहीं तो गॉड क्रिएटर नहीं है। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं का वो जवाब ये देते हैं कि रीइंकार्नेशन है, बस हम इस साइकिल में रहेंगे, जन्म मुस्तकिल आते रहेंगे एक के बाद एक। और क्यों जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों का जवाब भी तो रिलीजन से आएगा ना, वो रिलीजन के जिसमें गॉड का कॉन्सेप्ट है, गॉड बताएगा कि मैंने तुमको इसलिए पैदा किया है। तो ये तीन सवाल हर इंसान के जहन में है, और सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मान लीजिए आप तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आप मसलन दिल्ली में रहते हैं, आप बंबई जा रहे हैं, आपसे कोई पूछे ट्रेन में भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहेंगे दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, बिजनेस है, रिलेटिव से मिलना है। तो आप अपनी जिंदगी में हर काम करते हैं ना, जो भी काम करेंगे उसमें इन तीन सवालों के जवाब आपके जहन में ऑटोमेटिकली फीड हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हुए बंदे को जिसने आपसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, ये कहें वैसे ही जा रहा हूँ, वो पूछेगा फिर भी मतलब कोई तो वजह होगी, कह रहे कोई वजह नहीं है, बस मैंने सोचा कि बंबई चले तो बस मैं चल रहा हूं बंबई, आई एम गोइंग फॉर द सेक ऑफ गोइंग। तो जाहिर है कि आपको बेवकूफ कहा जाएगा कि यार ये क्या बात हुई कि एक आदमी ना घूमने जा रहा है, ना किसी से मिलने जा रहा है, ना टाइम वेस्ट करने जा रहा है, बस वैसे ही जा रहा है। तो जब हम जिंदगी के हर काम में कोई ना कोई मकसद तलाश करते हैं, तो जिंदगी का हमारा मकसद क्यों नहीं है? और जैनिज्म और बुद्धिज्म में जिंदगी का कोई मकसद नहीं है क्योंकि गॉड नहीं है, तो वो परफेक्ट कैसे हो गया? जी सर, आपने जो ये बात कही है, आपने सर अपने उसके आस्था के आधार पे की है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें तीनों ही रिलीजन में हमें अलग अलग जवाब मिलेंगे। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? तीन कौन से? ये इस्लाम और हिंदुइज्म और क्रिश्चियन। हाँ बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में अलग जवाब होगा, और उसकी वजह यह है कि सॉरी मैं कह रहा हूं हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म में जवाब अलग होगा, और उसकी वजह यह है कि हिंदुइज्म ने जो रेनकार्नेशन का जो जो फलसफा दिया है उसने उस जवाब को बदल दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात बताइए कि एक हिंदू का मकसद क्या है? मोक्ष हासिल करना है ना,
जी मोक्ष हासिल करना। मोक्ष को उर्दू और अरबी में क्या कहते हैं? नजात, नजात बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्वेशन बोलते हैं। आप क्रिश्चियन से पूछें कि तुम्हारा मकसद क्या है? साल्वेशन। एक मुसलमान से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? नजात। एक हिंदू से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? मोक्ष। जबान का फर्क हो गया ना। हाँ, उसके तरीके में इख्तलाफ है। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का एक ही जन्म है, उस एक जन्म के अंदर उसने अच्छे काम किए और उसका अकीदा, उसका फेथ सही रहा, उसको नजात मिल सकती है, मिल जाएगी। हिंदुइज्म में यह है कि नहीं, आपका अकीदा कुछ भी हो, फेथ कुछ भी हो, मानो कुछ भी, काम अच्छे करो और उसके बाद आपके अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, यहां तक कि आपको मोक्ष मिल जाएगी। आप क्रिश्चियन से पूछें कि आपको सॉल्वेशन कैसे मिली है, कि जी एक आदमी आया था, आदमी ने जीसस आए थे, वो सूली पर चढ़ गए थे तो हमें नजात मिल गई। लेकिन मकसद हर एक का मोक्ष, नजात, सॉल्वेशन है, इसके अलावा कोई नहीं है। तरीके में इख्तलाफ है। तो सर, इस तरीके से तो आज तक तो किसी भी मजहब में, मतलब जो मोक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो तो सर किसी में भी आज तक मिला नहीं ना, किसी में भी नहीं। ये आप किसी ने नहीं देखा, ये आप इसलिए कह रहे हैं। मसलन ये ऐसा ही है कि एक आदमी जो है वो अभी एग्जाम रूम में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल फेक चल रहा है, क्योंकि आज तक तो रिजल्ट आया, अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। भाई रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम सेंटर में रिजल्ट नहीं आएगा ना, आप एग्जाम से, एग्जाम देकर निकलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम सेंटर में रिजल्ट कैसे मिल जाएगा आपको? एक बार सर आप दोबारा इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर देंगे? मैं इसको इस तरह क्लेरिफाई करता हूं कि हमारी जो लाइफ है जिसमें हम मोक्ष या नजात के लिए कोशिश कर रहे हैं, सॉल्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको मैंने एक मिसाल दी है कि हम गोया के एक एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारा एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। मोक्ष या नजात या सॉल्वेशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ये उसका एक रिजल्ट है। जो टेस्ट या एग्जाम आप दे रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम मुकम्मल होने के बाद आपको मिलेगा। एग्जाम के दौरान, जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं उस वक्त आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा एग्जाम जब मुकम्मल हो जाएगा। तो हिंदुइज्म में भी यही बात है, क्रिश्चियनिटी में यही बात है, इस्लाम में भी यही बात है कि नजात या सॉल्वेशन या मोक्ष हमारा मकसद है। लेकिन हम ये मानते हैं, इस्लामी एतबार से मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो जिंदगी है ये हमारा एक एग्जाम है, इस एग्जाम के दौरान हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा, जब एग्जाम मुकम्मल हो जाएगा, हमारी ये जो दुनिया की जिंदगी है ये मुकम्मल हो जाएगी तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। आप हिंदू से पूछें कि भाई आपको मोक्ष कब मिलेगा, कि जी मोक्ष मिलेगा जब हम कई जन्म ले लेंगे, उसके बाद फिर मोक्ष होगा, इस उस जन्म के दौरान मोक्ष नहीं मिलता। यही सूरत हाल क्रिश्चियंस की है, वो ये कहेंगे कि ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ जरूर गए थे, लेकिन नजात, सॉल्वेशन का डिक्लेरेशन जब होगा, जब हम मर के पैराडाइज में पहुंच जाएंगे तो पता चलेगा जी हमें सॉल्वेशन मिल गई। इस जिंदगी में जो कंटिन्यूअस लाइफ है, मौजूदा जिंदगी मेरी और आपकी है, उसमें कोई भी ये नहीं कहता कि हमें इस जिंदगी के अंदर मोक्ष मिलेगा या नजात मिलेगी, कोई नहीं कहता। जी आपकी बात सर बिल्कुल सही है, लेकिन सर अगर हम इसमें देखें तो सर इसमें बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि जैसे जो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है, तो मोहम्मद साहब एक इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो ये कुरान की आयतें हैं वो एक अननेचुरल पावर से मिली। सेम ऐसे ही जो क्रिश्चियन है उसमें जो यीशु हैं, जीसस जो हैं, वो भी इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो सुप्रीम पावर मिली वो भी एक सुप्रीम सॉरी जो उनको जो बाइबल की जो आयतें वगैरह जो भी लिखी हैं वो इनको एक अननेचुरल मतलब सुपर पावर से मिली। और हिंदुइज्म का तो खैर कॉन्सेप्ट ही थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है कि क्या अवतार है क्या नहीं है, तो ये तो सर हम बात कर रहे हैं ना कि सुपर नेचुरल पावर से ही वो चीजें मतलब मिली हैं, अख्तियार हुई हैं, और वो सुपर नेचुरल पावर हर एक रिलीजन में वो उन्होंने अपने अपने अलग नाम से सर डिफाइन कर रखी है। देखें ये मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप बुद्धिस्ट या जैनी या एथिस्ट नहीं है, ठीक है, ये तीन आप नहीं है, तो मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, ये भी हमें सुपरनेचुरल पावर नहीं दिया है। हम खुद तो नहीं, हमने अपना एग्जिस्टेंस खुद तो क्रिएट किया नहीं, हम खुद तो अपने क्रिएटर नहीं है। तो जब मेरा और आपका एग्जिस्टेंस भी सुपरनेचुरल पावर से आया है, तो जितने प्रॉफिट्स आए हैं उनका एग्जिस्टेंस भी सुपरनेचुरल पावर से ही आया। फर्क इतना है कि हमारे पास सुपरनेचुरल पावर की तरफ से वर्सेस या रेवलेशन नहीं आया, टीचिंग्स नहीं आई, लेकिन जो प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से रेवलेशन भी आया है, टीचिंग्स भी आई है, सिर्फ इतना है फर्क। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन है मेरा आपके इस क्वेश्चन पर, वो ये कि क्या सुपर नेचुरल पावर की तरफ से, जो ऑलमाइटी है, जो ऑल पावरफुल है, उसकी तरफ से इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है आपके नजदीक?
इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है, मतलब एक सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक सुपर नेचुरल ऑल नोइंग ऑल पावरफुल एंटिटी मौजूद है, ठीक है, जो हर काम कर सकती है। अब उसने, अब आप, हम ये कह रहे हैं कि उसने ये काम भी किया कि उसने एक इंसान को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या आप इसको लॉजिकली रैशनली इम्पॉसिबल मानते हैं? इसका सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर बनेगा, इसका तो पता नहीं चल पाएगा। सुपरनेचुरल, हाँ ऐसा हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम लोगों का वजूद हुआ, लेकिन हम ये नहीं एग्जैक्ट कह सकते कि किसी सुप्रीम पावर की ही वजह से ऐसा हुआ हो सकता है ये सारी चीजें नेचुरली हुई हो, क्योंकि अगर खुदा होगा कहीं पे तो फिर वो धरती से भी बड़ा होगा, हमारी अर्थ से भी बड़ा होगा। आप ये कह रहे हैं कि नेचर ने खुद अपने आप को वजूद बख्शा है, नेचर ने अपने आप को खुद एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्टेंस नेचर ने दिया अपने आप को, ये आप कह रहे हैं राइट? जी। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बार बताइए कि अब किसी चीज को, मसलन एक बार बताएं, ये कप है मेरे सामने, गिलास है, इस गिलास को मौजूद करने के लिए, एग्जिस्टेंस देने के लिए, गिलास बनाने वाले का, अगर मैंने गिलास बनाया तो मेरा पहले से मौजूद होना जरूरी है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दी, तो एग्जिस्टेंस से पहले नेचर का होना जरूरी था, ये तो फैलेसी है। नहीं सर, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि अगर खुदा है कहीं पे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो फिर सर उसका जो साइज होगा ना, वो हमारी धरती से, सूरज से, हमारे यूनिवर्स से भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी तो बना पाएगा ना। आपका बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था, आपका बेसिक क्वेश्चन जो था, मैं शुरू में आपको लेके जा रहा हूं वरना फिर बात बहुत आगे बढ़ती रहेगी। आपका बेसिक क्वेश्चन ये था कि हर मजहब ने अपना खुदा बना लिया, जिसका मैंने जवाब दिया। आपका बेसिक क्वेश्चन फिर ये था कि हर मजहब का मकसद अलग है, मैंने उसका जवाब दिया कि मकसद एक है, और इस, और चूंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म इस मकसद का जवाब नहीं देते, लिहाजा वो परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। अब जब ये बात हो गई, अब आपने कहा कि जी नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दे दी होगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस देने के लिए नेचर का एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, वो इरेशनल है। एक बात, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया आप जो देख रहे हैं वो लॉज ऑफ नेचर पर चल रही है ना। मैं और आप सभी दोनों इस पर एग्री करते हैं कि भाई लॉज ऑफ नेचर यहां पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक लॉ ये है कि आप कोई चीज अगर फेंकेंगे और नीचे ग्रेविटी है तो वो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। सेब अगर दरख्त से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये लॉज ऑफ नेचर है। आप मुझे बताएं कि क्या लॉज खुद से खुद बन जाते हैं या लॉज के लिए लॉ गिवर्स चाहिए? हम किसी भी मुआशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में, महल्ले में, घर में रहते हैं, अगर उसका कोई कायदा कानून जाब्ता है ना, तो जाब्ता बनाने वाले हैं, जाब्ते खुद नहीं बना करते। तो लॉज ऑफ नेचर का बनाने वाला है, लॉज खुद नहीं आया करते। तो अब ये आपकी बात हो गई। अब जो आपका आखिरी सवाल है, जो आपका मेन सवाल नहीं था, ये आपका सबसिक्वेंट क्वेश्चन है, वो ये कि अगर खुदा है तो फिर तो वो बहुत बड़ा होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी चीज का साइज में बड़ा होना उसकी ग्रेटनेस की दलील है, या ग्रेटनेस और वॉल्यूम दो अलग अलग चीजें? सर देखिए, अगर हम वैसे प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो जो बनाने वाला होता है वो तो थोड़ा साइज में तो बड़ा होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है जी। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक इंसान गाड़ी बना, जहाज बनाता है, तो इंसान छोटा है, जहाज बड़ा है, लेकिन ग्रेट इंसान है, जहाज तो नहीं है ना जी। तो ये कोई फायदा नहीं है कि बनाने वाला बनने वाली चीज से बड़ा होगा साइज में। वॉल्यूम अलग चीज है और ग्रेटनेस अलग है। तो खुदा ग्रेट है, वॉल्यूम के एतबार से, वॉल्यूम तो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है, ये खुदा की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो ब्लंडर है ना कि खुदा का बड़ा होना, खुदा भी बड़ा होगा तो उससे जो मुकाबले में वो चीज है वो छोटी होनी चाहिए, ये ब्लंडर भी क्रिश्चियनिटी की तरफ से आता है कि जब वो होली फादर को दिखाते हैं कि कैनोपी पे बैठा हुआ है और उसका एक साथ होली घोस्ट भी है और सन ऑफ गॉड भी है, तो ये मटेरियल में बदल देना खुदा को, दैट इज नॉट, दिस इज नॉट राइट। तो हुआ क्या है कि मुख्तलिफ लोगों ने जब गॉड की मटेरियलिस्टिक या अपने एतबार से इंटरप्रिटेशन शुरू की तो मसला गड़बड़ हो गया। गॉड की इंटरप्रिटेशन कि वो ऐसा है वैसा है, जैसे ही हम अपने एतबार से करेंगे ना तो हम कभी भी सही कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। गॉड वो है, क्रिएटर वो है कि जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो है
और वही है और उसके अलावा कुछ नहीं था, उसने वजूद बख्शा इस कायनात को, तो कायनात वजूद में आ गई। ये बस ये मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है। वो गॉड के जो जस्टिस चाहता है हमसे, वो गॉड जो हमें अच्छा इंसान बनाना जिसने हमें हुक्म दिया कि हम अच्छे इंसान बने, वो गॉड जो हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा, ये गॉड की इंटरप्रिटेशन है। गॉड की इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन ये नहीं होती कि उसका साइज इतना बड़ा है, उसका साइज इतना छोटा है। वरना अगर ये बात है तो मैंने जो मिसाल दी है जहाज और इंसान की, वो मिसाल सही नहीं होती।